देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शुरू होने वाली एक बजे वो प्रस्तावित थी लेकिन चूंकि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और इस दरमियान जो समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पार्टी के कार्यालय पर मौजूद थे इसलिए मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये सोचा कि उनके साथ बातचीत कर ली जाए तो वो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और से कुछ देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी कुछ रणनीति बनाई जा रही है सोर्सेज से मेरे पास खबर है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता पार्टी के मुख्यालय पर मौजूद हैं जैसे उनके पास ये खबर आई कि साढ़े तीन बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो ऐसे में कई पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी दफ्तर पर पहुंचे और ये जानते हुए कि एक बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे पहले जो हॉल है उसमें अखिलेश यादव उनसे वार्ता कर रहे हैं उनसे डिस्कशन कर रहे हैं उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव के मद्देनज़र कोरोना का जो कहर है वर्चुअल रैली शुरू हो गई है जो उनकी विजय यात्रा चल रही थी उस पर एक तरीके से विराम लग गया है वो निकल नहीं रहे हैं कल गोंडा तो ज़रूर गए थे मूर्ति के अनावरण में लेकिन जिस तरीके से समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर वो निकले थे उस पर लगता है कि सभी दल जिस तरीके से अपनी सभाओं को पर विराम लगा रहे हैं, उन पर भी उनको विराम लगाना होगा तो ऐसे में विचार विमर्श चल रहा है कि आखिर बचे हुए समय में कैसे समाजवादी पार्टी ठीक से जमीन पर दिखे लड़े और जनता के बीच पहुंचे तो ऐसे में यह रणनीति बनाई जा रही है निकलेंगे अखिलेश यादव मिलकर तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे साढ़े तीन बजे से पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दूसरी तरफ एक और रोचक वाक्य आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी है तीन दिन चौबीस घंटे पढ़ने वाले हम लोग विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी चिंता करें जो परीक्षा के एक महीने पहले से अपनी किताब कॉपी खोलकर पढ़ते हैं देखते हैं और नोट्स का को देखते हैं कि क्या सवाल आएगा और वो तुक्के पर भरोसा करते हैं हम तुक्के पर भरोसा नहीं करते हैं बल्कि हम तो तीन दिन चौबीस घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं इसलिए हम उत्सव के तौर पर इस प्रजातंत्र के चुनाव को मानते हैं लोकतंत्र के इस चुनाव को मानते हैं और इसे उत्सव के तौर पर मानते हैं जानते हैं और मनाते हैं और ऐसे में पैनिक होने का कोई कारण नहीं है साढ़े तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे चुनाव आयोग चुनाव आयोग जिस दिन मतदान की बात करेगा उस दिन मतदान होगा जिस दिन चुनाव आचार संहिता की बात हो जाए हो जाए लेकिन अखिलेश यादव के साथ वो एक तरीके से ऊपर वो कटाक्ष कर रहे थे दूसरी पार्टियों के ऊपर कि ये जो पार्टियां हैं चाहे वो प्रियंका गांधी हो कांग्रेस की जो नेता हो अखिलेश यादव हो मायावती हो सतीश मिश्रा हो और एबीसीडी जितने भी नेता हैं उनका लक्ष्य मुख्य तौर पर अखिलेश यादव के ऊपर था कि ये लोग चुनाव के वक्त निकलते हैं और चुनाव लड़ते हैं और हम लोग जमीन पर लड़ते हैं ऐसा प्रियंका गांधी ने भी आरोप लगाया था अखिलेश यादव पर हालांकि वो भी जमीन पर कब से निकली हैं दो में चुनाव के बाद से वो कब जमीन पर यूपी की सियासत में आपने देखा होगा लड़ते हुए दो के आसपास या दो हज़ार बीस के आसपास वो जमीन पर दिखी थी बाकी वर्षों में वो गायब ही थी लेकिन कुल मिलाकर अब चुनाव बड़ा रोचक होगा और यह जो चुनावी संग्राम होगा वो भी बहुत बड़ा भीषण होगा क्योंकि आ, जो आमने सामने की लड़ाई विश्लेषक बता रहे हैं राजनीति के जो पंडित बता रहे हैं कि इस बार पहला ऐसा चुनाव होगा लगभग दशक के बाद कि आमने सामने देखा जा सकता है यानी कि आमने सामने की लड़ाई लोग मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच में आमने सामने की लड़ाई होने जा रही है पहले के चुनाव में त्रिकोणी चुनाव होता था चतुष्कोणी चुनाव होता था लेकिन आमने सामने की की इस बार की लड़ाई में देखना यह होगा कि कौन विजय प्राप्त करता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 325 के लगभग उसके गठबंधन सत्रह में उत्तर तो प्रदेश में, में लेकिन तैयारी की है तैयारी के दौरान कहा तो ये भी जा रहा है जो आपने बताया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो पिछले एक महीने में जिन्होंने तैयारी की है, 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 है उनके लिए चिंता का विषय जो लगातार काम कर रहे करते हुए आ रहे हैं पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए चिंता का विषय नहीं है लेकिन इंतजार तो करना होगा बहरहाल जो इंतजार है वो साढ़े तीन बजे का है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बने रही आप हमारे साथ